Assalamualaikum guys, I am dietitian Bisma और आज डिस्कस करूंगी डायबिटीज के बारे में, जो कि एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है। उसको आप ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में से प्रॉपरली रिमूव नहीं कर सकते। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी के डायबिटीज, शुगर। जब आपको डायबिटीज की शिकायत होती है तो कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में अराइज होना शुरू हो जाते हैं। आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है, फटीग फील होती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, ब्लड विजन आपको धुंधला नजर आने लग जाता है, यूरिनेशन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है बॉडी में। वी हैव थ्री मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है डायबिटीज के पेशेंट्स पे, या फिर डायबिटीज कॉज करने पे। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में तीन मेन चीजें पाई जाती हैं, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। फाइबर आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, इस एज के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो स्टार्च एंड शुगर है, जब वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट करते हैं, आपकी नर्व्स को डैमेज करते हैं, आपकी वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे आपकी बॉडी डायबिटीज से क्रोनिक डायबिटिक स्टेजेस पे पहुंच जाती है। यानी कि आपको डिफरेंट किस्म की डायबिटीज की शिकायत होने लग जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें आप की नर्व्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं डायबिटीज की वजह से। रेटिनोपैथी में आपकी आई अफेक्ट होती है, आपका विजन आपको नहीं आता, या फिर आपकी जो आंख है उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। एंड देन योर बॉडी लीड्स टू दी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, डिफरेंट किडनी डिजीजेस, और पता नहीं क्या क्या डिजीजेस आपकी बॉडी में बढ़ती चली जाती हैं, और आपकी बॉडी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इस सारी बात को करने का मुद्दा मेरा ये है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट को लिमिटेड रखें। मेनली रोटी चावल जो आप खा रहे हैं उसके अंदर हाईली अमाउंट ऑफ शुगर होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखें। बिल्कुल अपनी डाइट में से रिमूव ना करें, लेकिन उसको लिमिटेड रखें अपनी डाइट में। पर डे 1 to 2 सर्विंग्स आप कार्बोहाइड्रेट की अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक, लेकिन जिन फ्रूट्स में हाई शुगर कंटेंट पाया जाता है, जिसमें मैंगो है, बनाना है, तो वो आप एक वीक में 1 सर्विंग ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ये वाले फ्रूट्स। मैं हर एज ग्रुप को कहती हूँ कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में कंज्यूम करें, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जब कोई डिजीज की बात आती है तो बहुत सारी यूजफुल चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। तो ये है कि ये आप अपनी डाइट में लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं प्रेफरेबल हैं इस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, मशरूम्स, टमाटोज, ऑनियंस, जो हमारे डेली अमाउंट यूज होती है, हमारे हर खानों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं। और बहुत सारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं, ईजीली हर बंदे की पहुँच में है, तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो हर चीज़ को एक मॉडरेट अमाउंट में लें, फ्रूट्स को एक मॉडरेट अमाउंट में रखें, वेजिटेबल्स में स्टार्ची वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मॉडरेट अमाउंट में रखें। अगर आप लोग मार्केट से फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी लेने जाते हैं, तो उसमें भी वो लिखा हुआ होता है ऊपर के लो शुगर कॉन्टेंट है इसके अंदर, लेकिन लो शुगर के साथ उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे आपकी डाइट में, जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो कोशिश करें जो चीज़ खाएं घर की खाएं, और लिमिटेड अमाउंट में। जब हम बात कर रहे हैं 50+ एज ग्रुप की, तो वहां पे रॉ फ्रूट या वेजिटेबल्स लेना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको दांतों का इशू बहुत होता है कि वो चबा नहीं सकते, उसको इजीली खा नहीं सकते हैं, दांत नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स मेनली, आप उनको कुक
करके रख सकते हैं ऑलिव ऑयल में और उनको आप अपने खानों में ऐड करें। आप उसको वैसे ही स्पून के साथ खाएं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी उससे मिल सकते हैं और आप इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर सकेंगे। मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको मैं बहुत ज़्यादा फूड्स में कंफ्यूज ना कर सकूं। कुछ लिमिटेड चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया जो आप अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं और इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोज़ को मैं सिंप्लीफाई रख सकूँ, कम से कम आपको कन्फ्यूजन हो इसके अंदर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो भी मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकें और मैं उन पे उनको गाइडलाइन दे सकूं। आज की सिंपल सी वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।